नमस्कार, मैं हूं आपका मार्गदर्शक मिश्रा। आज फिर एक हम नए रोग के बारे में चर्चा करेंगे, और इसके पहले भी हमने उस पर एक वीडियो बनाया है डायबिटीज़ मधुमेह की बीमारी के लिए। उसमें मैंने सिर्फ साधारण चर्चा की थी कि मधुमेह क्या है, और उस पर मैंने अपनी बात रखी हुई थी। आज हम उसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, उस पर कुछ और अपनी बात रखना चाहते हैं। देखिए, हम जो खाना खाते हैं उस खाने से पूरा का पूरा शुगर निकाल कर, हम जो खाना चबाते हैं, चबने के बाद वो खाना जो है हमारे विभिन्न हमारे शरीर में, हमारे मुंह में भी कुछ एंजाइम निकलते हैं, हमारे आमाशय में भी कुछ एंजाइम निकलते हैं, हमारे अग्नाशय भी कुछ एंजाइम निकालती है, और हमारी आंतों से भी कुछ एंजाइम निकालते हैं। एंजाइम वो एक पार्ट होता है जो हम खाना लेते हैं, उस खाने को तोड़कर उन्हें छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ देता है। अब टूटने के बाद जो वो पदार्थ होते हैं उन्हें हम साधारण भाषा में कहें कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज वगैरह, दूसरा प्रोटीन कहें या अमीनो एसिड कहें, फैट कहें, लिपिड कहें, या फिर फैटी एसिड कहें, ग्लिसरॉल कहें। तो ये वो पार्ट हैं जो खाने से टूटकर निकल आते हैं, और बाद में आंत उनको निकालकर, जो आंतें होती हैं निकालकर ब्लड में डाल देती हैं। फिर ब्लड के माध्यम से वो जो पोषक पदार्थ होते हैं जो हमने लिए हुए हैं हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं को वो जाते हैं, ठीक है। ब्लड में जो है इस टाइप से हमारे पूरे शरीर में जाती हैं और कोशिकाओं की मरम्मत करने का काम करती हैं, तो ये हम लोग भोजन लेते हैं। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात हम रखना चाहते हैं, जब हम 18-20 साल के होते हैं तब खाना दो काम करता है। एक तो हमारे शरीर की ग्रोथ भी बढ़ाता है 18-20 साल की उम्र तक, और हमारी भूख भी मिटाता है। लेकिन उसके बाद जो हम अब खाना खाते हैं वो सिर्फ हमारी भूख मिटाने का काम करता है, इसलिए उस खाने की सीमा होना चाहिए। मैंने कल आपसे बात कही थी कि शाम को 5-6 बजे के बाद आहार तो नहीं लेना है, यदि हमें स्वस्थ रहना है, भारत को स्वस्थ रखना है, तब हमें इकट्ठी जो है अपनी हथेली में भर के दवाइयां नहीं खाना है, तब उसके लिए पहली चीज ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब दूसरी चीज जो है, हम बात करते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कौन बनाए रखता है और कौन उसे कम करता है। तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि 80 से 120 मिलीग्राम 100 ml ब्लड में हमारा ग्लूकोज होना चाहिए, ये एक नॉर्मल अवस्था है। 80 से 70 भी आता है तो कोई कंडीशन वाली बात नहीं है, और वहाँ 120 है 130 भी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक मैं एवरेज बता रहा था आपको। ग्लूकोज का बढ़ना और ग्लूकोज का घटना दोनों ही शरीर के लिए घातक होता है। तो हमारी जो अग्नाशय होती है, आमाशय के नीचे एक ग्रंथि हमारे शरीर में भगवान ने बनाई हुई है, उस ग्रंथि का नाम है अग्नाशय, इंग्लिश में पैनक्रियाज बोलते हैं, और हमारे शरीर की एकमात्र ये मिश्रित ग्रंथि है जो हार्मोन्स को भी मुक्त करती है और एंजाइम को भी मुक्त करती है, ठीक है। हार्मोन्स वो चीज़ होती है जो हमारे शरीर में जो एक्टिविटी चलती है, क्रियाएँ चलती हैं, उनको वो नियंत्रित करने का काम करती है। तो इससे दो महत्वपूर्ण हार्मोन्स निकलते हैं, एक हार्मोन्स का नाम है ग्लूकोगोन हार्मोन्स। ये जो ग्लूकोगोन हार्मोन्स होता है ये क्या करता है, ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ाने की कोशिश करता है। जो ग्लूकोगोन हार्मोन्स होता है ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। और दूसरा जो हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन, ये उस ग्लूकोज के लेवल को डाउन करने की कोशिश करता है। तो एक दूसरे के विपरीत दोनों काम करते हैं। जब हमारे शरीर में किसी कारणवश इंसुलिन की कमी होने लगती है, इंसुलिन हार्मोन्स की कमी होने लगती है, तो फिर शुगर का लेवल बढ़ने लगता है, जिसे हम लोग फिर कह देते हैं कि भाई वो डायबिटीज़ की बीमारी हो गई। ये ऐसा क्यों होता है, तो ये होता है हमारे शरीर के अंदर की अनियमितताओं के कारण। अब प्रश्न ये उठता है कि शरीर के अंदर अनियमितताएं उत्पन्न होती क्यों हैं, तो हमारे बदलती हुई दिनचर्या के कारण, हमारी जो दिनचर्या है वो बदलती रहती है, जिसके कारण शरीर में ये क्रियाएं बदलती रहती हैं। इसलिए हर एक चीज को हमें समय पर करने की आदत बनाना चाहिए। और मधुमेह ऐसा नहीं है कि मधुमेह एक बार शरीर में हो गई तो अब वो जाने वाली नहीं है। आप अपनी आदतें बदलिए, जीवन शैली बदलिए, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हमारे शरीर के अंदर नहीं रुक सकती है। तो उसके लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था
कि भाई भोजन को चबा चबा के खाएं, भोजन को थोड़ा थोड़ा सा खाएं। एक टाइम जब हम खाना खाते हैं तो सिर्फ खाने पे ही पूरा ध्यान दें, क्योंकि हम साथ साथ में टीवी देखते हैं तो हमारी एनर्जी वो टीवी देखने में भी खर्च होती है। अब वो अलग से कहाँ से आ रही है एनर्जी, कहीं उड़ के थोड़ी आ रही, टीवी से निकल के थोड़ी आ रही है एनर्जी, उसी खाने में से खर्च होना है एनर्जी। तो खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ही कंसंट्रेट हों, टीवी देखते समय टीवी भी देखें। तो इस टाइप से कुछ हम अपनी आदतें बदलते हैं जिसके कारण जो है वो हमारे हम निरोगी बनते हैं। अब एक और बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात रखना चाह रहे थे, मैंने कहा था खाना खाने के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद हमें पानी का थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। इसकी क्या वजह है? देखिए, हम जो खाना खाते हैं उस खाने को विशिष्ट प्रकार के एंजाइम मतलब एक रासायनिक पदार्थ है, उन एंजाइम की उपस्थिति में उनको तोड़ा जाता है, फिर उनसे उपयोगी पदार्थ निकाले जाते हैं। लेकिन चूंकि हम खाने के साथ पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं तो उन पदार्थों का जो पावर है, जिसे हम अपनी वैज्ञानिक भाषा में कंसंट्रेशन कहते हैं, सांद्रता कहते हैं, वो बदल जाती है। और वो सांद्रता जब बदल जाती है तो वो एंजाइम जिस हिसाब से काम करना चाह रहे हैं, जिस हिसाब से उस खाने को तोड़ना चाह रहे हैं, वो उस हिसाब से काम नहीं कर पाते, क्योंकि उनका पावर ख़त्म हो जाता है। और जब पावर ख़त्म हो जाता है तो उस खाने को फिर पचाया नहीं जाता है, उस खाने को फिर सड़ाया जाता है, जो कि शरीर के लिए बहुत हार्मफुल होता है। क्योंकि खाना डाइजेस्ट होगा, पहले डाइजेस्ट पे हमारा शरीर काम करेगा, मेहनत करेगा, एनर्जी लॉस होगी, वो नहीं कर पाएगा, फिर उसी खाने को फिर सड़ाना पड़ेगा, तो उस पर भी जाके जो है हमारा शरीर क्या करता है, उसे हार्ड वर्क करता है। इसलिए हमें अपनी आदतें सुधारना है और निरोगी बनना है और भारत को भी निरोगी बनाना है। फिर मिलते हैं एक नए रोग के साथ और एक नई बीमारी पर हम लोग चर्चा करेंगे। और अलग से कुछ नहीं करना है, घर के ही साधारण उपाय हैं, उनको लेके हमें अपनी जीवन शैली को सुधार के हमें हेल्दी बनना है। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।